आप जानते हैं सीरियल्स का फेवरेट प्लॉट क्या है? थैंकफुली प्लॉट है, इंसान होता तो मैं पूछती फेवरेट इंसान कौन है जो कहीं पे भी आ जाता है। वेल, सीरियल का फेवरेट प्लॉट होता है कलेश, जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्टोरी में आ सकता है। अब झनक में ही ले लीजिए, घर में यूं तो पूजा हो रही है, पूजा यानी कि शुद्धिकरण हो रहा होता है वातावरण का, लेकिन यहां पर भी आ गया है कलेश। ये सामान झनक की कब्र से खुद ही को मिला है। क्योंकि अब से मुझे बुरा लग रहा है। एक सिंदूर की डिब्बी और एक साड़ी ने घर में हंगामा बरपा कर दिया है, और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि झनक बनी है, क्योंकि घर में उसकी पोटली से लाल साड़ी और सिंदूर की डिब्बी मिली है, जिसके बाद घर में सभी झनक से सवाल पूछते हैं, और सवालों की बौछार से झनक की बोलती बंद हो जाती है। झनक, बताओ ये कहां से आई? तुम समझती हो ना, हम सब तुमसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? ये साड़ी और ये सिंदूर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिस पे झनक पे सवाल उठते हैं और उसके पास उन सवालों का जवाब नहीं होता, तो ड्रामा इसी के अराउंड पूरा घूम रहा है। एक साड़ी को लेकर एक सीक्वेंस है, लेकिन वो साड़ी इज जस्ट नॉट अ सीक्वेंस, बिकॉज उसके पीछे बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सस्पेंस है। बात दरअसल ये है कि घर में लक्ष्मी पूजा होती है, जिसके कारण अर्शी को भी इनवाइट किया जाता है बोस परिवार में, क्योंकि अर्शी की शादी अनिरुद्ध से जो होने वाली है। पूजा के दौरान भी घर वाले पूजा से ज्यादा झनक पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि पूजा में सभी ने अच्छे कपड़े पहने हैं और बेचारी झनक नॉर्मल कपड़े में नजर आ रही है। इसी दौरान सभी पूजा छोड़ झनक की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हालांकि उन्हीं के घर की लड़की है झनक। तभी अचानक अप्पू झनक की पोटली ले आती है, जिसमें लाल साड़ी और सिंदूर मिलता है, जिसके बाद ही तो सभी का पारा हाई हो जाता है, और इसी गुस्से में झनक से आधे टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि सिंदूर की डब्बी, एक शादी का जोड़ा, एक कवारी लड़की के पास क्या कर रहा है, और ऊपर से वो लड़की जो भाग के आई है शादी के मंडप से, और उसके पीछे कितना बैगेज है, उसकी माँ की हिस्ट्री, फिर वो खुद अपनी एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है अभी लड़की, तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों को जानने हैं। तभी अनिरुद्ध बीच में आकर झनक की साइड लेता है, जो अर्शी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए कि आखिर अनिरुद्ध झनक की क्यों साइड ले रहा है। आप सबको बिल्कुल परेशानी ना हो, इसे इसे यही रहने दीजिए। सीरियसली अनिल, आई कांट बिलीव यू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी साइड क्यों ले रहे हो? आप क्या क्या लगते हैं, क्या हो मुझसे? बेस्ट फ्रेंड हो, गार्डियन हो, रिश्तेदार हो, मेरी मॉम इसकी मासी लगती है, तो इट मेक सेंस कि वो हमारे साथ चले। अच्छी मेरे काम इसकी जिम्मेदारी मैंने ली, तो पूरी भी मुझे ही करनी होगी। वो भी अपनी स्ट्रगल से गुजर रही है, वो भी थोड़ी इनसिक्योर हो रही है अपने पति को लेके, क्योंकि मतलब होने वाले पति को लेके, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है। सो द इनसिक्योरिटीज कमिंग आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ हेट। इतना कुछ हो गया है और वो ही नहीं चाहती कि उसका होने वाला पति किसी चीज़ में फंसे, और उसको पता है कि झनक फुल ड्रामे के साथ आई है, तो वो नहीं चाहती कि चीज़ें प्रॉब्लम हो। जैसे कोई भी औरत होती है, कोई भी देवी होती है, वो लक्ष्मी भी होती है, वो दुर्गा भी होती है, और वो वक्त आने पर काली भी बन जाती है, तो वैसा ही अर्शी का भी है, बहुत लेयर्स हैं, और वो जिस वक्त पे जो ज़रूरत होगा वो वही कैरेक्टर बन जाएगी। अब झनक कैसे बताए कि जाने अनजाने में उसकी शादी अनिरुद्ध से ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ये सच्चाई चाहकर भी झनक नहीं बता सकती, क्योंकि झनक ने तो अनिरुद्ध बाबू को उस रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। लेकिन कुछ भी हो, झनक जब भी मुसीबत में होगी अनिरुद्ध उसका साथ ज़रूर देगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।